हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस के घर में एक बेहद ही अनोखी बॉन्डिंग देखी गई है जिसे कहा जाता है फ्रेनिमीज, यानी कि कभी दोस्त तो कभी दुश्मन वाला रिश्ता, जो कि ज़्यादातर बिग बॉस के घर की फीमेल कंटेस्टेंट्स के बीच देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे बिग बॉस सीजन्स की टॉप 7 मोस्ट लव फ्रेनिमीज जोड़ीज के बारे में। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 7 से, जहाँ बिग बॉस सीजन 8 से करिश्मा तन्ना और डायंडा सोर्स की फ्रेनिमीज वाली बॉन्डिंग। ये दोनों काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, जिस वजह से शुरुआत में दोनों ने काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी शेयर किया था। पर शो के कंटेस्टेंट गौतम गुलाटी, जो कि करिश्मा तन्ना के सबसे बड़े राइवल थे, उनके साथ डायंडा की बढ़ती नज़दीकियों की वजह से करिश्मा और डायंडा के बीच काफ़ी दूरियां आने लगी थी, जिस वजह से शो में दोनों के बीच कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी देखने को मिली। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 6 की, जहां बिग बॉस सीजन से मंदना करीमी और रॉचल राव, जहां इन दोनों का शुरुआत में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था और दोनों हमेशा एक दूसरे के साइड रहा करती थी। पर जैसे ही गेम आगे बढ़ने लगा तो दोनों के ही बीच काफ़ी अनबन होने लगी, लेकिन फिर कुछ एपिसोड्स में दोनों साथ में फिर से नॉर्मल हो जाती थी और शो के आखिरी तक दोनों की फ्रेनिमीज वाला रिश्ता रहा। वेल दोस्तों, आप बात करेंगे रैंक नंबर 5 की, जहाँ बिग बॉस सीजन 11 से शिल्पा शिंदे और अर्शी खान, इन दोनों ही फीमेल कंटेस्टेंट का कॉम्बिनेशन साथ में काफ़ी इंटरटेनिंग लगता था। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती करती हुई दिखती थी, तो वही साथ में दोनों अपने दुश्मनों से एक दूसरे के लिए फाइट भी किया करती थी। पर शिल्पा का रिलेशन शो के एक मेल कंटेस्टेंट विकास गुप्ता के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और शो के आगे बढ़ते बढ़ते अर्शी और विकास की दोस्ती होने लगी, जिस वजह से शिल्पा और अर्शी पर टकरार हुई, जहाँ पूरे सीजन में अर्शी और शिल्पा के बीच कभी फाइट होती तो कभी दोस्ती होती, और ये सिलसिला पूरे सीजन के एंड तक बरकरार रहा। वेल दोस्तों, आप बात करेंगे रैंक नंबर 4 की, जहाँ बिग बॉस 13 एंड 15 से देवोलीना एंड रश्मि देसाई, जहाँ सीजन 15 में रश्मि एंड देवो ने एक बेहद ही प्यारा बॉन्ड शेयर किया था, जहाँ ये हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आती थी और शो के बाहर भी इनकी दोस्ती कायम रही, जिसके बाद एक बार फिर बिग बॉस के 15वें सीजन में इनकी एंट्री हुई, जहाँ कुछ और ही देखने को मिला, जहाँ शो में ऐसी कई सिचुएशंस क्रिएट हुई कि इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और इनके कई सारे अगली फाइट्स भी हुए, जहाँ इस सीज़न के ख़त्म होने के बाद ये दोनों बस अब एक साथ सिर्फ कॉर्डियल रिलेशन रखती है। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 3 पर, जहाँ बिग बॉस सीजन 13 से रश्मि देसाई और शहनाज गिल, जहाँ शो की शुरुआत से ही सना सिद्धार्थ की क्लोज फ्रेंड बन गई थी, तो वही शो के बाहर से ही रश्मि और सिद्धार्थ की अनबन चल रही थी और इसका सिलसिला घर में भी देखने को मिला। पर कई बार सिद्धार्थ और रश्मि की फ़ाइट को रोकने के लिए शहनाज बीच में आ जाया करती थी, जिस वजह से शहनाज और रश्मि में काफ़ी फाइट्स होती थी। पर जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, रश्मि और सना में एक स्वीट सी बॉन्डिंग देखने को मिली, जहाँ सना और रश्मि के बीच झगड़े कम होने लगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही थी कि इन दोनों की माहिरा शर्मा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इसलिए ये दोनों क्लोज आए। पर तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 2 की, जहाँ बिग बॉस सीजन 14 से रूबीना दिलेक एंड जैस्मिन भसीन, जहाँ शो की शुरुआत में ही दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी नजर आती थी। पर जैस्मिन की राहुल के साथ हुई फाइट का सारा ब्लेम रूबीना के ऊपर डाल दिया गया था और जैस्मिन ने भी राहुल से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया था, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी बातचीत होती रहती थी। पर जैस्मिन के दोस्त अली के आने के बाद से दोनों के बीच के डायनेमिक्स ही बदल गए और शो के बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से दोनों में खूब फाइट्स होने लगी और शो के अंत तक ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन भी बन गई थी। पर शो के ख़त्म होते ही बाहर दोनों एक दूसरे से एक फॉर्मल रिलेशन शेयर करती है। तो दोस्तों, फाइनली बढ़ेंगे रैंक नंबर 1 की तरफ, जहाँ बिग बॉस 16 से प्रियंका चाहर चौधरी और अर्चना गौतम, जहाँ दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग और खुलकर अपने पॉइंट्स को रखने वाली पर्सनैलिटीज़ है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी बनी। पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, ऐसी कई सिचुएशंस आई जहाँ अर्चना और प्रियंका के बीच टेंशन बढ़ने लगी। इनफैक्ट अर्चना ने प्रियंका को सबक सिखाने के लिए अंकित की एविक्शन की प्लानिंग भी मंडली के साथ की और फिर अंकित के जाने के बाद दोनों के बीच की अनबन धीरे धीरे फिर से कम होती रही और शो के आखिरी पड़ाव में आकर ये दोनों फिर से एक अच्छी दोस्त बन चुकी है। पर छोटी मोटी अनबन दोनों के बीच चलती रहती है, जो कि ऑडियंस के लिए काफ़ी इंटरटेनिंग है। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस के सीजन की टॉप 7 मोस्ट लव फ्रेनिमीज। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि किसके बीच की फ्रेनेमी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।